सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी से बलकौर सिंह का बयान है। उन्होंने कहा कि मूसेवाला कतलकांड च सचिन के रोल बारे गंभीरता के नाल पुछगिछ होनी चाहिए, कई होर लिंक पुछगिछ तो बाद सामने आ सकते हैं। गोल्डी बराड का हुण तक ना फड़िया जाना सरकार के मुँह से करारी चपेड़ है। पंजाब की कानून व्यवस्था के हालात बेहद चिंताजनक ने। जी हाँ, बलकौर सिंह एक बार मुड़ तो पंजाब की कानून व्यवस्था को लैके सरकार भी घेरते विखाई दिए। ना ही उन्होंने कहा कि सचिन का की रोल रहा मूसेवाला कतलकांड मामले में, इसकी गंभीरता के नाल जांच करवाई जानी चाहिए है। सोशल मीडिया से जिस तरह खबर सुनिया, देखो हम सीधी एजेंसी किसी अथॉरिटी वालों तो मैंने कोई इदा नहीं, कोई इनफॉरमेशन नहीं मिली, परंतु जो मैं भी थोड़े वालों यूट्यूब तो सोशल मीडिया से देख देख के जो लगता भी जो हरियाणा वाला मजदूर है इन्हें किया, जो तो पुलिस करूगी पुछगिछ लगता है कोई ना कोई होर लिंक निकल आए पुलिस अगर गंभीरता पुछगिछ की करनी है। जिस तरह गोल्डी बराड को कहा है सरकार ने काफी समा पहला भी लेके आवेंगे, हाले तक उसका कोई उसका बेटा रेड कार्ड में तैयारी होया होया, पर कार्रवाई देखो हाई कठिन है या सरकार ढिली चल रही है तो गवर्नमेंट का दस सकती है, परंतु जे सरकार चाहे तो हो सकता, कोई वड्डी गल नहीं है। इन्हें अपनी जी एफर्ट जारी रखने चाहिए ने, तो मेन जड़ तो उही है क्योंकि सरकार के मुँह से एक चपेड़ है कि जो वह शरेआम बदमाश कह रहे हैं असं इन्ने करोड़ रुपया कमा रहे हैं, असं 5 करोड़ कमा रहे हैं, असं 7 करोड़ कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल इस गल के उत्ते जरूर फील होना चाहिए कुछ ना कुछ, यार असं कहो जी गवर्नेंस दे रहे हैं लोगों को जिथे बदमाश ही करोड़ों रुपया ग्राही जाने। साडिया तो जेल साडा सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल तो बाहर है इस टाइम के उत्ते पूरा। गवर्नमेंट चाह के भी जेलों से नशा नहीं बंद कर सकती, जेलों के फोन नहीं बंद कर सकती, मुख्यमंत्री साहब के कोल ही गृह मंत्रालय उन्होंने कोल ही जी जेल मंत्री भी वो आपने, तो देखो जेलों का हाल की है।